फाइनली नायरा को हुआ रियलाइज कि वो भी करती है कार्तिक से बहुत प्यार। जी हाँ, फाइनली हो गया है नायरा को भी अपने प्यार का रियलाइजेशन। इतने दिनों से अपने प्यार को दबा कर रखने वाली नायरा ने आज रियलाइज कर लिया है कि वो भी कार्तिक से बहुत मोहब्बत करती है और आज वो ये जानकर बहुत खुश है। वो बस कैसे भी करके कार्तिक को ये सब बताना चाहती है। करवा चौथ के अवसर पर जब सब डांस कर रहे होते हैं तो नायरा बार बार उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई बीच में आ जाता है। नायरा आज इतनी खुश है कि वो दिल खोलकर डांस भी कर रही हैं, लेकिन हमारे बुद्धू कार्तिक हैं जो ये बात समझ ही नहीं रहे हैं। नायरा इतनी कोशिश कर रही है उन्हें समझाने की, लेकिन कार्तिक बन बैठे हैं बिल्कुल ही बुद्धू। नायरा ने उनकी दी हुई ड्रेस पहनी है, उनके लिए डांस किया और उनके ऊपर फूल भी फेंके, लेकिन कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद नायरा करती है एक प्लान, वो घर का फ्यूज उड़ा देती है। पिछली बार भी जब फ्यूज उड़ा था तो कार्तिक ही फ्यूज बनाने आया था और इस बार भी नायरा सोच रही है कि पक्का कार्तिक ही आएंगे इस फ्यूज को बनाने। दूसरी तरफ गायू है परेशान बार बार कार्तिक को फोन लगाकर, तो पीछे से उनकी दादी बोलती है कि अब तो उन्होंने कार्तिक की फोटो देखकर व्रत भी खोल लिया है, फिर क्यों है इतना परेशान। ये सुनकर गायू हैरान हो जाती है। गायू की दादी उससे बोलती है कि उन्हें सब पता है, वो बहुत खुश है कि उसने कार्तिक को पसंद किया है, लेकिन क्या कार्तिक भी उसे पसंद करता है। इस पर गायू बोलती है कि उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। ये सभी बातें नायरा सुन लेती है। अब आगे क्या होगा, क्या नया ट्विस्ट आएगा कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी में, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।